हेलो एवरीवन, मैं हूँ वैभव सोलंकी फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अवर सब्जेक्ट इज हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, 8th semester सिविल डिपार्टमेंट। दोस्तों, हम पार्ट ए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे इस सब्जेक्ट में। सो लेक्चर 3, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया एंड मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया। सो आज हम तो डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से मेजर सी पोर्ट है इंडिया में और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या है। सो दोस्तों, हमने सब आपको पहले ही बताया था कि हमारा पार्ट ए जो चैप्टर 1 है पार्ट ए का, वो अभी हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, जो बेसिकली इंट्रोडक्शन है, जिसका ये 3rd लेक्चर है। तो जैसे हमने सिलेबस की GTU सिलेबस की भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था, फिर भी मैं एक और बार आपको GTU सिलेबस यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3। फिर से एक बार GTU सिलेबस पे ध्यान दे देता है कि यहाँ का जो चैप्टर 1 है, जो जनरल है हार्बर इंजीनियरिंग का, चैप्टर 1 हार्बर इंजीनियरिंग हमारा पार्ट है, जिसका चैप्टर 1 यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है, जिसका 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। और इस लेक्चर में हम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है और मेजर पोर्ट इन इंडिया, इन 3 टॉपिक पे बात करेंगे। सो सबसे पहले इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या है। सो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज एन इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन फॉर मूविंग गुड्स एंड पैसेंजर। जो मूविंग गुड्स एंड पैसेंजर है उसका इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है। अब इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जैसे हमने आगे बात कर ली थी कि रिवर है, कैनल है या लेक है, जो इनलैंड ऑन द लैंड पे जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रिवर, कैनल और लेक के थ्रू, इसको हम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। सी या ओशनिक वाटरवे नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो वाटरवे रहेगा इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो इनलैंड रहेगा। अब खास करके इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए नेविगेबल वाटरवे है, वो बेसिकली 14,500 किलोमीटर का है टोटल। उनमें से 5,700 किलोमीटर जो है वो नेविगेबल जो वाटरवे है, उनमें सिर्फ मैकेनाइज वेसल्स चल रहे हैं, यानी कि जो शिप्स है और वो जो मैकेनिज्म के बेस पे शिप्स है ये सब चल रहे हैं, वो सिर्फ 5,700 किलोमीटर में चल रहे हैं। बाकी के जो वाटरवे पे जो बाकी के किलोमीटर है, वहाँ पे नॉर्मल जो नाव होती है या तो नॉर्मल शिप होते हैं जिसको मैकेनाइज नहीं होते है, वो सब चल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि जो इंडिया में जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, इसका जो शेयर है कंपेयर टू अदर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि रोड हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, एरोप्लेन हो गया, तो इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कंपेयर में इसका शेयर बहुत ही कम है। क्योंकि बाकी के बहुत सारे कंट्री है जहाँ पे इनलैंड वाटर वे बहुत ही उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, पर इंडिया में अभी फिलहाल बहुत कम है। तो IWT जो मॉडल है, कंपेयर नेदरलैंड में 42% है, फ्रांस में 15%, हंगरी में 50%, जर्मनी में 14%, बेल्जियम में 13% और US में 15% है। कंपेयर टू यहाँ पे अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन रेलवे या रोडवे के कंपेयर में बहुत ही कम है। यहाँ पे अप्रोक्स 0.36% समथिंग है कंपेयर टू अदर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये बात की हमने इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन की, जैसे कि कैनल वाटरवे हो गया, लेक वाटरवे हो गया, ठीक है, तो ये सब हमारा रिवर वाटरवे हो गया, इंडिया में रिवर वाटरवे ज़्यादा है। अब जैसे ही मैंने वाटरवे की बात की तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सभी वाटरवे हैं वो, ये जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, ये आपको नाम याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके अंडर में ये सभी वाटरवे काम करते हैं, ठीक है, मतलब कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो चार्ज है वो इस इंस्टीट्यूट के पास है, इस संस्था के पास है, ठीक है, तो इसके अंडर में हम जितने भी वाटरवे है वो वर्क कर रहे हैं। तो IWAI जिसका फुल फॉर्म है, जो इंडियाज़ में अथॉरिटी है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो है नोएडा में है, उत्तर प्रदेश नोएडा में है।
अब इसका वर्क क्या है कि इट गिव्स द फंक्शन ऑफ बिल्डिंग द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस वाटरवे, सर्विंग द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ न्यू प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेशन। इसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना, नए वाटरवे फाइंड करना, इकोनॉमिक फिजिबल फिजिबिलिटी है या नहीं उसका सर्विंग करना, और उसके साथ साथ उस वाटरवे के लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो प्रोवाइड करना। सो बेसिकली नेशनल वाटरवे कम अंडर अ प्रीव्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेयर एवर अदर वाटरवे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सो ये जो नेशनल वाटरवे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, और बाकी के इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और उसके अलावा ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है उसके अलावा कोई भी अथॉरिटी कोई भी वाटरवे है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होगा। तो इस हिसाब से इनलैंड वाटरवे ऑफ अथॉरिटी वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। अब जो वाटरवे है कितने टाइप के वाटरवे है और किस हिसाब से नेशनल वाटरवे वर्क करता है, तो ये हम नेशनल वाटरवे के इस टेबल में देखेंगे। तो बेसिकली करंटली 5 वाटरवे हैव बीन डिक्लेयर एज अ नेशनल वाटरवे इन इंडिया। इंडिया के अंदर 5 वाटरवे है, जैसे कि नेशनल वाटरवे 1 जो गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम में है, जैसे कि गंगा रिवर है तो वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से, और हुगली है वो कोलकाता में है। तो इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक ये जो स्ट्रेच है वो अप्रोक्स जो रिवर का 1620 यानी कि 1620 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो नेशनल वाटरवे 1 है। वो हमारा इंडिया का सबसे ज़्यादा इनलैंड वाटरवे का स्ट्रेच है, सबसे ज़्यादा किलोमीटर का, ठीक है। जैसे कि हमको पता है गंगा रिवर है वो इंडिया की सबसे मोस्ट और बिगर रिवर है, तो नेशनल वाटरवे 1 वहाँ पे है। दूसरा नेशनल वाटरवे 2 है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, वो सादिया से लेके धुबरी तक है, 891 किलोमीटर का। नेशनल वाटरवे 3 है वो वेस्ट कोस्ट पे है, यानी कि वेस्ट कोस्ट कैनल है, केरला है, हो गया कोट्टपुरम है, और यहाँ पे कोट्टपुरम टू कोलम के बीच में जो कैनल से वहाँ पे 205 किलोमीटर का वाटरवे है, जिसको हमने नेशनली NW3 बोला है, नेशनल वाटरवे 3। नेशनल वाटरवे 4 गोदावरी एंड कृष्णा रिवर पे है, ठीक है, और नेशनल वाटरवे 5 वो ब्राह्मणी रिवर पे है और महानदी के जो डेल्टा सिस्टम है वहाँ पे है। तो बेसिकली वो हो गया ईस्ट कोस्ट, ठीक है, ईस्ट कोस्ट कैनल पे, जैसे कि मेघालय है उसके आसपास ब्राह्मणी रिवर है और उसका जो डेल्टा कोस्ट है वो ईस्ट कोस्ट कैनल में हो गया। तो उसका जो नेशनल वाटरवे 5 है वो बेसिकली 623 किलोमीटर का है। नेशनल वाटरवे 4 है जो साउथ में है गोदावरी और कृष्णा रिवर पे, ठीक है, वो बेसिकली 1095 किलोमीटर का है। तो इस हिसाब से इस टेबल को आपको याद रखना है। ये जो सोर्स है इसका वो है नेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 5 वाटरवे इंडिया में अवेलेबल है, जिसको हम नेशनल वाटरवे बोलते हैं, ठीक है। तो रिवर कैनल को मिला के यहाँ पे 5 वाटरवे अवेलेबल है। इस टेबल को आप राइट डाउन कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, पॉइंट है कार्गो मूवमेंट बाय IWT इन इंडिया। तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन है कि इसके अंदर जो कार्गो मूवमेंट है वो कितना होता है। तो बेसिकली जो कार्गो यानी कि जो मटेरियल है उसका मूवमेंट वाटर ट्रांसपोर्टेशन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कितना होता है। हम सी या ओशन जहाँ पे हमारा पोर्ट है, कंडला पोर्ट हो गया, कोची है, कितने बहुत बड़े 10 या 12 इंटरनेशनल पोर्ट है, ठीक है। तो वहाँ से ओशन से तो कार्गो मूवमेंट होगा और वहाँ पे तो मैक्सिमम हो रहा है, बट इनलैंड यानी कि लेक रिवर और कैनल के थ्रू जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है मेन लैंड में वहाँ पे कितना हो रहा है। तो वहाँ पे 32 मिलियन हो रहा है 2003 या 4 में, 69 मिलियन वो बढ़ के हुआ था 2009 और 10 में। यहाँ पे आप एक ग्राफ देख सकते हो जहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि रेलवे में उसका जो शेयर है IWT के कंपेयर टू अदर ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे 34, रोड 54,
जो कोस्टल लाइन पे होता है वो 6%, पाइपलाइन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इंडिया में जो कार्गो मूवमेंट करता है पाइपलाइन थ्रू वो 4% करता है, बट IWT है वो जो कार्गो मूवमेंट करता है वो वेरी रेयर कार्गो मूवमेंट होता है, वो होता है 0.36%। तो यहाँ पे कार्गो मूवमेंट बाय IWT इन इंडिया यहाँ पे आप इस ग्राफ में देख सकते हो। फिर से एक बार देख लीजिए, रोड के थ्रू हो रहा है 54.16%, रेलवे के थ्रू अप्रोक्स 35%। ठीक है, तो हम मैक्सिमम रोड या रेलवे के यूज़ करके ही कार्गो मूवमेंट करते हैं। अभी तक का जो कार्गो मूवमेंट थ्रू IWT हुआ है वो 32 मिलियन हुआ है 2003-04 में, और 69 मिलियन तक पहुंचा है 2009-10 में। ठीक है, न्यू डेटा है उसके हिसाब से कितना हुआ है वो पता नहीं। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या क्या है IWT के, यानी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन के, तो जो कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग हैज़ मैनी एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज रोड एंड रेलवे। बहुत सारे एडवांटेज है कंपेयर टू रोड एंड रेलवे। सो द मेजर एडवांटेज ओवर द डोमेस्टिक मूवमेंट आर, डोमेस्टिक मूवमेंट के कंपेयर टू क्या है कि मेजर एडवांटेज क्या है, तो उसको हम देखेंगे कि मेजर एडवांटेज डोमेस्टिक मूवमेंट के कंपेयर टू क्या है। तो यहाँ पे 7 एडवांटेजेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला है कंजेशन फ्री है, कि जो IWT है वहाँ पे कोई कंजेशन नहीं रहेगा, रिवर होगा या कैनल होगा तो वहाँ पे शिप है हमारा वेसल है वो फ्रीली मूव कर सकेगा कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे। फ्यूल एफिशिएंसी कि रोड पे जिस हिसाब से हमको पेट्रोलियम की ज़रूरत पड़ती है, रेलवे में जिस हिसाब से पेट्रोलियम की या फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है कंपेयर टू यहाँ पे बहुत ही कम रहेगा। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है क्योंकि हम रेलवे ना तो कोई इसका पोल्यूशन हो रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत कम है और वाटर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। लार्ज पार्सल साइज है इसकी और हम मैक्सिमम कार्गो को मूव कर सकते हैं लार्ज पार्सल साइज पे। लोअर कैपिटल एंड रिक्यूरिंग इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इसका, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी लोअर है और लोअर कैपिटल रिक्यूरिंग है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो इमेज है वो कैनल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन की है। तो इस हिसाब से ये सारे एडवांटेजेस हैं जो मैंने आपको आगे गिना है। ठीक है, तो ये एडवांटेज आप लिख सकते हो। अब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा है मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर कितने कितने मेजर पोर्ट है। तो पहली बात करूँ कि इंडिया के का पास टोटल कोस्ट लाइन कितना है, तो यहाँ पे आप जितना हमारा सी कवर होता है इंडिया में वो जो कवर होता है वो जो कोस्ट लाइन है वो है 7517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल लाइन है इंडिया के पास। कितनी है? 7517 किलोमीटर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा है कि इस कोस्टल लाइन पे कितने पोर्ट्स है, कितने माइनर है, कितने इंटरमीडिएट है और कितने ऑपरेबल है। तो यहाँ पे हम मेजर पोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। इस हिसाब से मेजर 12 मेजर पोर्ट इंडिया में है और 181, इसके अलावा 181 माइनर पोर्ट है। कितने माइनर पोर्ट है? 181, और 181 में से 139 अभी की हाल की कंडीशन में ऑपरेबल है। तो यहाँ पे जो वैल्यू फिगर है 139, ये आपको याद रखना है और 12 मेजर पोर्ट आपको याद रखना है। टोटल कोस्ट लाइन है 17517 किलोमीटर। दूसरा है कि इंडिया पोर्ट आर गेटवे टू इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड बाय सी एंड हैंडलिंग ओवर 90% ऑफ द फॉरेन ट्रेड, कि 90% फॉरेन ट्रेड को हम कार्गो से, कार्गो का जो ट्रेड होता है हम इनलैंड वाटरवे मेजर पोर्ट के थ्रू कर रहे हैं। तो ये जो मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं, तो मेजर पोर्ट्स को हम यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया है, 12 मेजर पोर्ट है, आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हो और लिख भी सकते हो। तो शो द मेजर पोर्ट्स आर लोकेटेड एट, फर्स्ट कंडला पोर्ट गुजरात, सेकेंड चेन्नई पोर्ट, थर्ड कोलकाता हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल, फोर्थ JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, फिफ्थ है मुंबई पोर्ट जो मेजरली मुंबई में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी मुंबई में वो नज़दीक है, सिक्स मार्मगोवा पोर्ट गोवा में अवेलेबल है, सेवन पनम्बूर पोर्ट कर्नाटक, एट कोचिन पोर्ट केरला, नाइन पोर्ट ब्लेयर अंडमान,
10 तुतिकोरिन तमिलनाडु, 12 विजाग विशाखापट्टनम और 12 नंबर पे प्रदीप पोर्ट वो है ओडिशा। तो इस हिसाब से यहाँ पे पूरी कोस्टल लाइन देख सकते हो, इस हिसाब से यहाँ पे आर्टिफिशियल नेचुरल और सेमी नेचुरल टोटल हमारे पास 12 इंटरनेशनल पोर्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका आपको मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, ये 12 पोर्ट है उसको आप लिस्ट आउट कर दीजिए। GTO पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आए GTO एग्जामिनेशन में एनलिस्ट द नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, तो आपको इसका लिस्ट आउट करना है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ये 12 पोर्ट्स के बारे में लिखा है और ये आपको मैं मटेरियल भेज दूँगा। ठीक है, तो जो आप नोट्स में भी लिख सकते हो, कंडला पोर्ट है गुजरात में, तो बेसिकली जो ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया कहते हैं हम, तो वो कंडला पोर्ट है, बहुत ही मेजर पोर्ट है, गल्फ ऑफ कच्छ में अवेलेबल है, इंपोर्ट पेट्रोलियम केमिकल करता है, एक्सपोर्ट ग्रेन सॉल्ट और टेक्सटाइल करता है। ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग पोर्ट ऑफ इंडिया है। सिमिलरली मुंबई पोर्ट है वो लार्जेस्ट पोर्ट है, ठीक है, नेचुरल डीप वाटर में अवेलेबल है। JNPT पोर्ट है वो भी लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है, किंग पोर्ट ऑफ अरेबियन सी भी कह सकते हैं, और क्या करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल कारपेट और बोनलेस मीट है, और यहाँ पे इंपोर्ट है मशीनरी और वेजिटेबल वो इंपोर्ट करता है। मार्मगोवा है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बेस्ट नेचुरल हार्बर है इंडियाज में। फिर पनम्बूर है पोर्ट जो कर्नाटक में है, ऑल्सो नॉन एज मैंगलोर पोर्ट, जो मैंगलोर पोर्ट के थ्रू भी जाना जाता है, डीप वाटर है, वेदर पोर्ट है और एक्सपोर्ट करता है मैंगनीज ग्रेफाइट कॉफ़ी, और इंपोर्ट करता है टिम्बर लॉग्स LPG पेट्रोलियम प्रोडक्ट और कंटेनरी। और इसके बाद एक कोची पोर्ट है जो केरला में अवेलेबल है, वो भी वन ऑफ द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑन अरेबियन सी, ये दोनों अरेबियन सी के अच्छे पोर्ट है, JNPT है और केरला कोचिन पोर्ट है। तो ये जो इंडियन ओशन रूट पे है, इक्विप्ड विथ कोची रिफाइनरी शिप्ड एंड मरीन, और फेमस फॉर इट्स स्पाइस, स्पाइस के लिए जो मसाले है कोचिन केरला के उसके लिए बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे कंडला JNPT पनम्बूर पोर्ट कर्नाटक कोचिन मार्मगोवा और मुंबई पोर्ट, इन सभी के बारे में आप यहाँ से डिटेल्स मेजर डिटेल्स है जो मैंने यहाँ पे लिखी है उसके बारे में आप लिख सकते हो। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जो 3 या 6 पोर्ट्स मैंने दिखाए वो आप एक बार नोट्स कर ले फिर से, और जो 12 पोर्ट है मैंने लिस्ट आउट करने को बोला है वो भी लिस्ट आउट कर ले। ठीक है, अगर गुजरात के किसी पोर्ट के बारे में GTO एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कंडला पोर्ट आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा एक दो और भी पोर्ट है तो वो एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पोर्ट ब्लेयर अंडमान, ठीक है, वो यंगेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया कहलाते हैं, वहाँ की जो एंचर डेप्थ है वो 12 या 13 मीटर है अप्रोक्स, कार्गो पेड डेप्थ ऑयल टर्मिनल डेप्थ भी यहाँ पे दी हुई है। तूतीकोरिन पोर्ट है तमिलनाडु में, वो आर्टिफिशियली डीप वाटर है, टोटली आर्टिफिशियल पोर्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट तमिलनाडु का है चेन्नई के बाद, और वेदर कंडीशन के हिसाब से एंचर डेप्थ कार्गो पेयर और ऑयल टर्मिनल के हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स मैंने दी है। विजाग पोर्ट विशाखापट्टनम पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, ठीक है, चेन्नई पोर्ट भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया का और सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट पोर्ट इन बे ऑफ बंगाल और वेस्ट बंगाल के लिए भी ये लार्जेस्ट पोर्ट है। सो चेन्नई बे ऑफ बंगाल है, सॉरी बे ऑफ बंगाल है, उसके लिए भी ये लार्जेस्ट पोर्ट है। और जो यहाँ पे एंचर डेट कार्गो पेड डेप्थ और ऑयल टर्मिनल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैंडलिंग होती है। प्रदीप पोर्ट है ओडिशा का, ठीक है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियली डीप वाटर वहाँ पे अवेलेबल है, हैज इट ऑन रेलवे सिस्टम एंड कोल हैंडलिंग प्लांट एंड नेशनल हाईवे एंड एंचर डेप्थ कार्गो पेयर डेप्थ और ऑयल टर्मिनल डेप्थ यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे ये जो डिटेल्स है उसको भी आप नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट
12 मेजर पोर्ट है उसकी मैंने यहाँ पे सब डिटेल, जो इम्पोर्टेंट डिटेल है जिसके बारे में आप लिख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे अवेलेबल की है। यही मटेरियल मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल कर दूंगा, जहाँ से आप आराम से लिख सकते हो। और इसको अभी जीटीओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेजर पोर्ट ऑफ इन इंडिया अगर लिस्ट आउट करना है तो आप 12 मेजर पोर्ट को लिस्ट आउट कर सकते हो। थोड़ी डिटेल्स लिख सकते हो कि टोटल 7517 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है और उस कोस्ट लाइन पे ये 12 मेजर पोर्ट आ रहे हैं। इस मेजर पोर्ट के अलावा 181 इंटरमीडिएट और माइनर पोर्ट अवेलेबल है, और उन 181 इंटरमीडिएट और माइनर पोर्ट में से 139 ऑपरेबल है। तो इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने जो पूरा मेजर पोर्ट है बारे में मैंने आपको यहाँ पे समझाया। उसके अलावा जो हमने आगे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए और हिस्ट्री ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए की भी मैंने कुछ आपको यहाँ पे इस लेक्चर में समझाया। तो ये जो इम्पोर्टेंट लेक्चर था आज के लिए दोस्तों, इतना ही। थैंक यू सो मच।